यहाँ कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। एक कपल जो कैसे जानवरों को अपने बच्चों की तरह संभालता है। इस कहानी को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का ऑस्कर अवार्ड मिला है। कहानी की शुरुआत में हम बोमन को देखते हैं, जो कि इसी जंगल के रहने वाले थे। बोमन कठुनाया नाम के समुदाय से थे। यह लोग जंगल में ही रहते थे और हाथियों की सेवा करते थे। इस जंगल में काफी सारे जानवर है जो खुलेआम घूमते हैं और इंसानों को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाते, क्योंकि यहाँ पे रहने वाले इंसान खुद को इस जंगल का हिस्सा समझते हैं, किसी से भी खुद को ऊपर नहीं समझते। ये दरअसल मुरुमलाई टाइगर रिजर्व एरिया है, जो तमिलनाडु में आता है, और इसमें थेप्पाकाडु नाम का एक एलिफेंट कैंप है। इसकी स्थापना लगभग 140 साल पहले हुई थी और यह एशिया का हाथियों के लिए बना हुआ सबसे बड़ा कैंप है। यहाँ पे छोटे हाथी जिनकी माँ नहीं होती उनको लाया जाता है और उनकी देखभाल कठुनाया समाज के लोग किया करते थे। और गांव में रहने वाला ये जो समुदाय था, वो जरूरत की सारी चीजों के लिए यह लोग जंगल पे ही निर्भर रहते थे। वही हम बेली को देखते, यह भी इसी गांव में रहती थी। बोमन को कुछ समय पहले ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से फोन आया था कि एक हाथी के छोटे बच्चे को देखभाल करने के लिए यहां पे लाने वाले थे, जिसके लिए बोमन और बेली को चुना गया था। और इस हाथी के बच्चे का नाम रघु है। रघु की हालत काफी खराब थी, वो अपने झुंड से अलग हो गया था और कुछ जानवरों ने उसे जख्मी भी किया था। उसे बचाने की संभावना बहुत ही कम थी। तब उसे बेली में अपनी माँ की छवि दिखाई दी और वह बेली के आगे पीछे ही घूमता, इसीलिए बेली को भी रघु से काफी लगाव हो गया था। बोमन और बेली दोनों ही रघु की काफी अच्छी तरह से देखभाल कर रहे थे, जिसकी वजह से रघु बहुत जल्दी ही ठीक हो गया था। रघु पूरे जंगल में घूमने लगता है और बाकी हाथियों के साथ भी धीरे धीरे घुलना मिलना शुरू करता है। उसका एक खास दोस्त भी था, कृष्णा, जो कि एक बड़ा हाथी था। कृष्णा रघु को सारी चीज सिखाता था, जैसे घास कैसे खाना है, और अगर रघु के पैर में चोट आई तो कृष्णा उसे काफी मदद करता था। एक दिन बोमन रघु के गले में घंटी पहनाते हैं और हमें बताते हैं, हमने सारे हाथियों के गले में घंटी पहनाई है ताकि जंगल में उन्हें ढूंढने में आसानी हो। फिर हम बेली की कहानी सुनते हैं। वो बताती है कि उनके पति को जंगल में ही बाघ ने मार डाला था, जिसके बाद वो काफी डरी हुई थी, लेकिन वो चाह कर भी इस जंगल से और इन जानवरों से दूर नहीं रह सकती थी। वो बताती है कि रघु की देखभाल करना यानी किसी बच्चे की देखभाल करने जैसा है। बिना कहे वो मेरी सारी बातें समझ पाता है। कुछ समय पहले मैंने अपनी बेटी को खो दिया था, जिसकी वजह से मैं काफी दुखी थी, और एक दिन जब मैं रो रही थी तब रघु मेरे पास आया और उसने अपनी सुंड से मेरे आंसू पोछे थे। इंसान भले ही जानवरों को इतना समझ ना पाए, लेकिन हाथी काफी स्मार्ट और इंटेलिजेंट जानवर होते हैं। हम देखते हैं कि कैसे इस समाज के लोग अपनी जान को खतरे में डालकर इस जंगल को प्रोटेक्ट किया करते थे, और जंगल को रिस्पेक्ट देने के लिए वह हमेशा बिना चप्पल के ही यहाँ पर चलते थे। बोमन हमें बताते हैं, हाथियों के साथ काम करना खतरनाक भी हो सकता है, खासकर के बड़े हाथी। और एक बार बोमन जख्मी भी हुए थे बड़े हाथी के कारण, जिसके कारण उन्होंने बड़े हाथियों के साथ काम करना बंद कर दिया था और वो उनके बच्चों की रक्षा करते थे। फिर हम देखते हैं कि कैसे जंगल का दूसरा स्टाफ इन हाथियों के लिए खाना बनाता है। यहाँ पे रघु को खाना नहीं खाना था, लेकिन उसकी नजर मिठाई पर थी, यानी एक नारियल और गुड़ भी रखा था, इसीलिए वो काफी नाटक करता है। और इसी तरह रघु को अपने बच्चे की तरह संभालते हुए बोमन और बेली भी एक दूसरे का ख्याल रखते थे। अब एक दिन रघु और बाकी हाथियों को सजाया जाता है, क्योंकि आज विशेष पूजा का दिन था, जिसमें हाथियों के बच्चों को भगवान गणेश से आशीर्वाद दिलाने के लिए लाते हैं। बोमन कहते हैं कि हमारे लिए हाथियों की देखभाल करना
यानी भगवान की देखभाल करने जैसा है। थोड़े समय के बाद गर्मियों का मौसम आ चुका था और जंगल के पेड़ पौधे नदी धीरे धीरे सूखने लगे थे। समय बीतता जाता है और बोमन और बेली को फिर से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कॉल आता है और उन्हें एक छोटी हाथी की बच्ची जिसका नाम अमु था, जो अपने समूह से अलग हो गई थी, उसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी दी जाती है। कुछ ही दिनों में अमु बोमन बेली और रघु के परिवार का हिस्सा बन जाती है। पहले रघु उससे जलता था क्योंकि अमु के आ जाने से बेली बोमन उसे पे ज्यादा ध्यान देते थे, लेकिन बाद में वो अमु को एक्सेप्ट कर लेता है। बोमन और बेली का रिश्ता भी गहरा हो जाता है और एक दिन दोनों भी शादी करने का फैसला करते हैं। यहाँ पे हमें पता चलता है कि बेली की एक पोती भी है जिसका नाम संजना है और वो रघु और अमु की देखभाल करने में बेली की मदद भी करती है। कुछ लोग समझते हैं कि हाथी गुस्से वाले होते हैं और वह फसलों को खराब करते हैं, पर जो लोग उनके पास रहते हैं वह जानते हैं कि हाथी शांत स्वभाव के होते हैं और यदि तुम हाथी को प्यार करते हो तो वह भी तुम्हें प्यार करेंगे। बोमन और बेली की शादी के कुछ दिन के बाद ही पता चलता है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले रघु की देखभाल की जिम्मेदारी किसी और को दे रहे हैं क्योंकि अब वो बड़ा हो चुका था। दोनों ही उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं कि रघु को उनसे दूर ना करें, लेकिन ये बात उनके हाथ में नहीं थी। अमु भी काफी बेचैन हो जाती है रघु के बिना और रघु को ढूंढ रही थी, लेकिन समय के साथ अमु ने भी रघु के बिना जीना सीख लिया था। वही आज भी बोमन को रघु कभी कभी जंगल में मिल जाता है जिससे वो काफी खुश होता है। तमिलनाडु में बोमन और बेली ऐसे पहले लोग हैं जिन्होंने सफलतापूर्वक दो हाथियों के बच्चों की देखभाल की है और इसीलिए बोमन को हाथियों का पिता और बेली को हाथियों की माँ भी कहा जाता है। आज के समय में अमु 3 साल की और रघु 7 साल का है और दोनों ही इसी एलिफेंट कैंप में रहते हैं। यह कहानी ये सिखाती है कि अगर इंसान अपने स्वार्थ को छोड़कर जानवर और जंगलों को ऐसा ही प्यार दे तो बदले में उन्हें उतना ही प्यार मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। इसकी IMDb रेटिंग 7.5 है।